हाय गाइस, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने अपना ये डाइनिंग टेबल अरेंज किया है फॉर अ डिनर एट होम। तो ये मेरा प्लेन डाइनिंग टेबल है। आज मैं यूज कर रही हूँ ये सुंदर सा वाइट टेबल मैट जिसमें ग्रीन कलर का प्रिंट है और ये ग्रीन कलर का एक बॉर्डर है, और इसके साथ मैं यूज़ करूँगी ये टेबल मैट्स, या इनको ट्रिवेट्स कहते हैं। एक्चुअली मैंने ये ट्रिवेट्स होम सेंटर से लिए हैं, टेबल मैट करोल बाग से लिया है, और आप अमेजोन पे भी ऐसे टेबल मैट्स देख सकते हैं। अब मैंने टेबल मैट बिछा दिया, उसके दोनों साइड मैंने ये दो ग्रीन कलर के ट्रिवेट्स रखे, और सेंटर में एक गोल्डन ट्रे रखी है जिसके ऊपर मैंने ये छोटा सा क्यूट सा फ्लावर पॉट रखा है, ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं। सुंदर सा नैपकिन होल्डर, नैपकिन होल्डर मैंने द विशिंग चेयर से लिया था, उसमें कुछ नैपकिन हैं, और एक ये ब्लैक पेपर क्रशर है। आपको पता है स्टार्लिंग का रूल कि ऑड नंबर में पीसेस यूज़ कीजिए, 3, 5 या 7, उससे ज़्यादा नहीं। नाउ मैं आपको नैपकिन फोल्ड करना भी सिखाऊंगी आज के वीडियो में। तो ये है नैपकिन होल्डर्स, ये ब्रेकेबल हैं, बहुत ही क्यूट पिंक और वाइट कलर में ये नैपकिन होल्डर्स हैं। मैंने द डेकोर कार्ट स्टोर से लिए हैं, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और ऑरेंज कलर के मैंने क्लॉथ नैपकिन सेलेक्ट किए हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस ग्रीन कॉम्बिनेशन के ऊपर ऑरेंज बहुत प्यारा लगेगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ द कलर्स विल लुक रियली नाइस। तो आपने क्या करना है, स्क्वायर शेप के नैपकिन लेने हैं, रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर। सिंपली नैपकिन को पहले आप ऐसे ट्रायंगल में फोल्ड कर लीजिए, जस्ट इनटू हाफ फोल्ड करके उसको थोड़ा सा इवन कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए। तो ये मैंने नैपकिन को फोल्ड कर लिया है। अब जो एक कॉर्नर है नैपकिन का, उसको लेकर नैपकिन के बिल्कुल सेंटर तक वापस फोल्ड कीजिए। तो जहाँ पे नैपकिन का ट्रायंगल का टिप है, उस टिप तक आप वन एंड को फोल्ड कीजिए, एंड नाउ फोल्ड द अदर एंड लाइक इन द सेम मैनर लाइक द प्रीवियस वन। सो ये देख लीजिए, ट्रायंगल बना के मैंने एक एंड लिया, उसको हाफ तक फोल्ड किया, और दूसरे एंड को भी इक्वल हाफ में ऐसे फोल्ड कर लिया। वेरी सिंपल। अब उन्हीं फोल्डेड हाफ्स को मैं लूँगी और वापस आउटवर्ड फोल्ड करूँगी, ठीक है। सो जो मैंने पार्ट फोल्ड किया था, उसका मैंने ऐसे पार्ट लिया और उसको हाफ वे आउटवर्ड फोल्ड किया, एंड द सेम थिंग आई डिड ऑन द अदर साइड। और बस अब नैपकिन के एंड को पकड़ना है, उसकी सिंपल सी दो तीन प्लीट्स बनानी है हाथ से, और नैपकिन होल्डर की हेल्प से उसको सिक्योर कर लेंगे। तो एकदम सिंपल है ये आइडिया गाइज, बहुत ईजी है ऐसे नैपकिन फोल्ड करना, लेकिन बहुत प्रेजेंटेबल लगता है ये आइडिया। तो ये नैपकिन होल्डर्स को लेकर मैंने उसको ऐसे फोल्ड कर लिया और थोड़ा एडजस्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब मैं एक प्लेट लूँगी और उसके सेंटर में इस नैपकिन को रखूँगी। तो इस टाइप का जो नैपकिन अरेंजमेंट है, आप प्लेट्स के या प्लेटर्स के ऊपर रख सकते हैं रादर दैन कीपिंग ऑन अ साइड। तो ये हो गया पूरा हमारा लेआउट, एकदम ईजी क्विक। मुझे कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा, वाइट बेस है, उस पर ग्रीन प्रिंट है, तो मैंने ग्रीन ट्रिवेट्स यूज़ किए, और एक पॉप ऑफ कलर के लिए ऑरेंज यूज़ किया। और कटलरी में जैसे हम नॉर्मल करते हैं, मैंने एक डिनर स्पून और एक सैलेड स्पून रखा है ऑन द राइट, और फोक रखा है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड आप चाहें तो नाइफ भी रख सकते हैं और बाकी कटलरी भी रख सकते हैं, बट जैसी रिक्वायरमेंट है आप वैसा कीजिए। एंड ऑफ कोर्स मैंने बेज कलर के टेबल मैट्स यूज़ करे हैं जिनके ऊपर मैंने ये प्लेट्स रखे हैं, और अगर आप बाउल्स भी यूज़ कर रहे हैं तो आप बाउल्स भी रख सकते हैं। और ये हमारा क्विक ईजी फिनिश्ड लुक है डाइनिंग टेबल का। ये मेरा अरेंजमेंट था बिफोर, और बहुत टाइम से मैंने चेंज नहीं किया था, तो अब टाइम था इसको चेंज करने का, और ये है हमारा आफ्टर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढूंढ के डाल दूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।